जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों कल के दिन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि एक तो कल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर, उस एरिया में जो लोग मतलब जिन लोगों के ऊपर पाकिस्तान अत्याचार करते हैं वो हमला किए थे और 11 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। दूसरा बड़ा न्यूज़ ये है, कल पाकिस्तान के मीडिया में खुद तालिबान का स्पोक्स पर्सन आकर कहा था आगे जाकर पाकिस्तान तालिबान पर तानाशाही नहीं कर सकता है और तालिबान को हुक्म नहीं दे सकता है, तालिबान क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ये एक बड़ा झटका के तौर पर पाकिस्तान के लिए देखा जा रहा है। दूसरा खबर ये है, आप सब जानते हैं टर्की को लेकर तालिबान भी खुश नहीं है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में जितने भी फॉरन फोर्सेस है वो बहुत जल्द अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, एक दो महीने के अंदर पूरा अफगानिस्तान खाली हो जाएगा। लेकिन टर्की के एर्डोगन साहब ने ये ऐलान किया था वो अफगानिस्तान में अपने जो टर्की के सेना है उनको और कुछ साल रखेंगे। इस बात को लेकर तालिबान काफ़ी नाराज है और तालिबान अब टर्की को खुले तौर पर चेतावनी दे दिया है जल्द से जल्द वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाए। दोस्तों अगर हम धर्म की बात करें तो टर्की और तालिबान का धर्म तो एक ही है, दोनों सुनी इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन अब दोनों के बीच इतना विवाद क्यों है और टर्की का अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, ये सारे टॉपिक पर मैं आप सबको एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आप देखिए, कल पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर हमला हुआ था और 11 के करीब उनके सैनिकों की मौत हो गई है और 15 के करीब अभी भी आहत हैं और बढ़ सकता है, मतलब ये मौत का आंकड़ा और आगे जाके बढ़ सकते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कैप्टन अब्दुल बासित है, ये ही टीम को लीड कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उस एरिया में पहले से ही लोग छिपे रहे बैठे थे और इनका टीम जब गया उनके ऊपर हमला करके उन्हें मौत के नींद में सुला दिए। दोस्तों अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, इस हमले के लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो खुद पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े जनरल है जो 40-50 साल से अपने गलत नीति के कारण पाकिस्तान को इस हालत पर आकर छोड़ दिए। आप सब जानते हैं 40-50 साल से या फिर जब से देश आज़ाद हुआ है पाकिस्तान में जो भी मतलब मुस्लिम लोग हैं उनको, हिंदुओं की बात तो छोड़ दीजिए, जो नॉन मुस्लिम है उनका हालत क्या है तो छोड़ दीजिए, जो मुस्लिम भी हैं उनको सिंध बलोच पश्तून पठान या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा या फिर आगे जाकर जो ट्राइबल एरिया है उन्हें हमेशा अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है उनके लोगों को, तो एक ना एक दिन ये लोग हथियार तो उठाते अपने सेना या फिर अपने सरकार के खिलाफ। अभी वही हाल हो रहा है, हालांकि अभी पाकिस्तान अपनी ऊपर आरोप छिपाने के लिए ये कह सकता है कि अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हुआ है इसके पीछे रॉ का हाथ है या फिर भारत का हाथ है, जो हमला करने वाले लोग हैं वो अफगानिस्तान से आए थे, उन्हें फंडिंग भारत से मिला था वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई ये है खुद पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी गलत नीति के कारण आज पाकिस्तान ऐसे हालात में पहुँचा है और उनका खामियाजा जो छोटे छोटे आर्मी के लोग हैं या फिर उनके देश के लोग ही उठा रहे हैं। छोड़िए वो उनका देश है वो ही जाने। अब आते हैं तालिबान के ऊपर। देखिए आप सब जानते हैं तालिबान को अगर कोई देश आगे बढ़कर सपोर्ट करता है तो वो है पाकिस्तान। अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई रिपोर्ट आया है जो तालिबान के लड़ाके आगे जाकर नॉर्दर्न अलायंस की सेना पर अटैक कर रहे हैं या फिर अफगानिस्तान की मिलिट्री पर अटैक करके वो सब एरिया को, काफ़ी सारे एरिया को कब्जे में ले रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान आर्मी के कई कमांडो या फिर कई मतलब बड़े बड़े ऑफिसर जाकर उन्हें लीड कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं कैसे प्लानिंग करके अटैक करना है। लेकिन दोस्तों कल पाकिस्तान के मीडिया में खुद जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आगे जाकर पाकिस्तान तालिबान के ऊपर तानाशाही नहीं कर सकता है या फिर पाकिस्तान ये डिसाइड नहीं करेगा तालिबान किस देश के साथ या फिर क्या करेगा या फिर क्या रिलेशन स्थापित करेगा। दोस्तों ये एक बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि और दोस्तों अब देखोगे तालिबान जो भी कहा है ये सही कहा है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में तालिबान को पाकिस्तान से मिलिट्री सपोर्ट चाहिए या फिर उसको सपोर्ट चाहिए अफगानिस्तान में पूरा अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक बार में जब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा तब तालिबान को अफगानिस्तान चलाने के लिए पैसा चाहिए, और दोस्तों पैसा क्या पाकिस्तान के पास है, खुद पाकिस्तान दूसरे देशों से पैसा लोन में लेकर खुद अपने देश को चला रहा है तो वो तालिबान को पैसा क्या देगा। हाँ वो तालिबान को कुछ हथियार और बॉम्ब वगैरह दे सकता है, क्योंकि पैसा तालिबान को अगर चाहिए तो उसे रूस से मिलेगा, चीन से मिलेगा, भारत से मिलेगा या अमेरिका से मिलेगा। इसलिए आगे जाकर तालिबान अगर पिछले मतलब उनका सत्ता जब था 1996 से 2001 तक अगर उस तरह का गलती किया तो तालिबान को अफगानिस्तान पर राज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखो अगर पिछली बार जब तालिबान सत्ता पे थे अगर वो अलकायदा को सपोर्ट ना करते, अगर 9/11 ना होता तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है,
अभी अगर कुछ महीने के बाद या सालों के बाद काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाता है और तालिबान अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेता है, अगर वो कोई आतंकवाद कार्यकलाप या फिर कोई देश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। अगर तालिबान आगे जाकर कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम किया या फिर कुछ और देश में किसी और से पेशा लेकर कुछ प्रॉब्लम किया तो तालिबान को अफगानिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए तालिबान अब खुद को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी देश के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। वो दोस्तों आगे जाकर पता चलेगा तालिबान पिछली सरकार जैसा गलती करेगा या फिर एक अफगानिस्तान में एक अच्छा सरकार देगा, या फिर अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन एक बार जब उनके हाथ में पूरा अफगानिस्तान आ जाएगा फिर से वो वही आतंकवाद को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों अब मैं टर्की और तालिबान के ऊपर आता हूँ। दोस्तों अगर हम टर्की की बात करें, टर्की नाटो में एक लौता मुस्लिम देश है और टर्की की सेना अमेरिका की सेना के बाद नाटो में दूसरे नंबर पर आता है नंबर वाइज। और दोस्तों आप ये फोटो देखिए, ये तकरीबन 25-30 साल पुराना फोटो है। आप ये बंदे को जो देख रहे हैं ये है एर्डोगन भाई साहब, और ये जो भाई साहब है ये है गुलबुद्दीन हिकमतयार, जो दो बार अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका शरीर तो अभी इस टाइम में है लेकिन माइंड वही स्टोन एज में है। मुजाहिदीन लीडर है, मतलब तालिबान का हार्डकोर सपोर्टर, या फिर उन्हें तालिबान ही आप कह सकते हो। दोस्तों तालिबान का टर्की के ऊपर ये आरोप है, जब पूरे दुनिया का जो ये फोर्सेस थे, फॉरेन फोर्सेस थे, वो अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं तो टर्की को क्यों अफगानिस्तान में रुकना है। अब टर्की ने ऐलान किया है उसके करीब 500 से 600 सैनिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की दायित्व को निभाएंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं काबुल एयरपोर्ट बगराम एयरबेस से सिर्फ 65 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब दोनों काफ़ी करीब है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं बगराम एयरबेस करीब 20 साल से नाटो फोर्सेस का मेन बेसिस हुआ करता था लेकिन अब अमेरिका उसे छोड़कर चला गया है। और आप देखिए अफगानिस्तान को अगर आप मैप में देखोगे, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब समुंदर के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगा हुआ है। ऐसे में जो अफगानिस्तान में जो जितने एयरबेस है या फिर एयरपोर्ट है उनका रणनीतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब तालिबान जितने भी बॉर्डर एरिया है वो सब पर कब्जा कर चुका है और बीच में ही अब नॉर्दर्न अलायंस या फिर जो सेकुलर वाले अफगानिस्तान में मुस्लिम है वो फंस चुके हैं बीच में। तो ऐसे में अगर ये काबुल एयरपोर्ट हो गया या फिर बगराम एयरबेस हो गया, उन पर अगर तालिबान का कब्जा आगे जाकर हो जाता है तो दोस्तों बाद में मुश्किल हो जाएगी कोई भी फॉरेन सपोर्ट के लिए अफगानिस्तान को, क्योंकि अगर कोई भी देश का प्लेन इस एयरबेस पे या फिर एयरपोर्ट में नहीं उतर पाएगा तो आप कैसे सपोर्ट कर पाओगे। इसलिए दोस्तों अब टर्की ने ऐलान किया है वो आने वाले 2-3 साल तक अपने फोर्सेस को काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए रखेगा और इस बात को लेकर तालिबान काफ़ी नाराज है। और अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान में टर्की की फोर्स 20 साल से तो है लेकिन वो कभी कॉम्बैट रोल में नहीं थे, मतलब जैसे ग्राउंड में जाकर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन के फोर्स तालिबान के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन टर्की का फोर्सेस कभी ऐसा नहीं करते थे। वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए या फिर तालिबान के खिलाफ जो नॉर्दर्न अलायंस के या फिर अफगानिस्तान आर्मी के सैनिक थे उन्हें ट्रेनिंग देने का काम उनका था। और दोस्तों अफगानिस्तान और टर्की का संबंध हमेशा से सही रहा है। अब जब तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने जा रहा है तो टर्की क्यों उनके सामने या फिर उनके बीच में आ रहा है? कुछ जानकारों का मानना है टर्की इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को खुश कर सके, क्योंकि आप सब जानते हैं टर्की बीच में रशिया के करीब जाकर या फिर S-400 डील हो गया या फिर बहुत सारे मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों के साथ अपना संबंध को खराब कर दिया था। इसलिए दोस्तों अब टर्की अमेरिका और यूरोपियन देशों को खुश करने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर अपने सैनिकों को कुछ साल के लिए प्रेजेंट रखना चाहता है ताकि उस एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा ना हो पाए। लेकिन दोस्तों आगे ये देखना होगा टर्की के इस कदम से अमेरिका और यूरोपियन कंट्री कितने खुश होते हैं और टर्की के साथ उनका संबंध कितना सही होता है। अगर टर्की को जो तालिबान ने चेतावनी दिया है अगर टर्की इसको नज़रअंदाज करता है तो क्या तालिबान टर्की के फोर्सेस को अफगानिस्तान में अटैक करेगा? क्या उनके ऊपर सुसाइड अटैक हो गया या फिर दूसरे जरिए में उनके ऊपर अटैक करेगा? दोस्तों ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।